दरोद नबीनो मेरा मुर्शिद ऊंचा रखीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मेरे साथ आमिना सुल्तानी साहिबा, एक ऐसी आवाज जो माशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से एक देन है। आमिना बहुत सारा दीनी काम कर रही है, रूहानियत के अतबार से बात करें, कुरान की तजवीद की बात करें, हिफ्ज़ की बात करें, दीन का काम कर रही है। और उसी सिलसिले की कड़ी है कि ये बहुत अच्छी तरह नात भी पढ़ती हैं, अरफाना कलाम भी पेश करती हैं। आज हमने हजरत सखी सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह का इनसे कलाम सुनना है, मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का कलाम सुनना है। और इसके अलावा देखते हैं और इन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में क्या सुनाना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकअल्लाह खैर। और मैं ऐड करती चलूँ, आप कह रहे थे कि काम कर रही हूँ, मैं उसके साथ साथ बैंक का भी काम कर रही हूँ, फुल टाइम जॉब भी कर रही हूँ। अच्छा जी, और एवरी वेंसडे मेरा प्रोग्राम भी आता है शाम आरफा पर, शाम आरफा के नाम से प्रोग्राम है तकबीर टीवी पर, एवरी वेंसडे 7 o'clock till 8 o'clock, एवरी वेंसडे 7 o'clock till 8, एवरी वेनेसडे। ठीक, जब मैं तकबीर पे करता था तो मेरे ख्याल में यही टाइम था, प्रोग्राम मंजर पे मंजर। बहुत शुक्रिया, वेलकम, टाइम इज योर, व्हेन यू आर रेडी प्लीज स्टार्ट। अभी मैं कलाम पेश कर रही हूँ हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह का। बे बिस्मिल्ला इस्म लादा ए नाल शिफात सरवरे आलम छुट सी आलम सारा हो हदो बेहद दरूद दरूद नबीनू जेंडाए पसारा हो तेना तौबा मैं कुर्बान तेना तौबा मैं कुर्बान तेना तौबा मैं कुर्बान तेना तौबा जिना मिलया नबी सुहारा हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। और मियां साहब के कलाम के चंद अशआर। जी, मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह
बहुत बड़ी फॉलोइंग है, बहुत लोग सुनते हैं माशाल्लाह हरफे खड़ी शरीफ जी बिल्कुल, और अक्सर महफिल में भी मुझे इस कलाम की फरमाइश आ रही होती है सब आंटियों की तरफ से सब। क्योंकि कश्मीरी लोग ज्यादा है ना यूके में, पटवारी कश्मीरी लोग ज्यादा है जो भी मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का कलाम सुनना चाहते हैं, और बड़ी खूब शायरी की है, बड़ी बिल्कुल सादा लफ्जों में बड़े अच्छी सबक आमोज चीजें हैं उसके अंदर, एक एक शेर में आपके लिए नसीहते हैं, एडवाइजेज हैं, और आदमी हैरान हो जाता है कि इतने सिंपल लोगों ने किस तरह का कलाम कब तक उस जमाने में पेश किया था। जी इरशाद फरमाइएगा। अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर हर दा उस दा नाम चतारण वाला किसे मैदान न हर दा उस दा नाम चतारण वाला किसे मैदान नहर शद्दा मदा जेरा जबर सब शान नबी बिच आया आमलो का खबर नकाई खासा रमजा पाया मैं निवा मेरा मुर्शिद ऊंचा मैं निवा मेरा मुर्शिद ऊंचा ते मैं ऊंचिया दे संग लाई सदके जाओ ना उचे आओ मैं जिन में अनाल निभाई सदके जाओ ना उचे आओ मैं जिनमी में अनाल निभाई ले ओ यार ले ओ यार हवाले रब दे मेले चार दिना दे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फेर मिलागे उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फेर मिलागे। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब बहुत खूब। मैं अपनी जानम से और अपने जितने भी मेरे नाजरीन हैं इस चैनल के उनकी जानम से जहां चांद तक की आवाज जाएगी आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और हम सब आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला सेहत सलामती कामयाबी ईमान वाली लंबी उम्र अता फरमाए, और आपके वालदैन को अल्लाह ताला आपके बहन भाइयों के को के ऊपर आपके घर के ऊपर अपना खास करम करे। और दुआएं तो मौलवियों से बहुत सुनती होंगी आप, लेकिन मुझे जैसा आदमी जब दुआ देता है तो शायद मेरे ख्याल में पता नहीं लगती भी है या नहीं लगती, वो तो प्रोफेशनल मौलवी होते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से जब किसी को दुआ देता हूँ तो दिल से देता हूँ, और मुझे यकीन है कि वो दुआएं आपको जो है वो लगेंगी भी, और अगर मेरी नहीं लगती तो मेरे जो जहां तक यह प्रोग्राम जाएगा वो आपके लिए जरूर आपकी कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।